मैंने भी कुछ साल अब्रॉड गुजारे हैं, 3-1 साल, एंड आई रियलाइज कि वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ईजी था. मेरे अरब फ्रेंड्स भी थे, मेरे चाइनीज़ फ्रेंड्स भी थे, मेरे थ्रू आउट द वर्ल्ड अफ्रीकन फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं बना, क्योंकि कम्युनिकेशन में आई थिंक जो आप कह रहे थे कि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, वैसे ही कम्युनिकेशन के फर्स्ट 3 वर्ड्स मुझे लगता है स्टैंड फॉर कम्फर्ट. आपके आइडियाज़ क्लियर हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा. वापस आके मैंने जब दोनों वर्ल्ड्स में डिफरेंस देखा तो ये पाया कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोकते हैं, बहुत ज़्यादा इनहिबिट करते हैं. हम इस पे इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुन के कैसे रिएक्ट करेगा या उसे कैसे परसीव करेगा, रादर देन इस बात पे फोकस करना कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए और हमने कम से कम शब्दों में यही बताया कि हमें जो चाहिए तो पीपल उसे समझेंगे भी और उसे रिएक्ट भी उसी तरह उसके लिए करेंगे जैसा हम चाहते हैं. वेरी गुड. हम लोग कई बार एक इनहिबिशन में रह जाते हैं कि सामने वाला कोई सेंस ऑफ रिजेक्शन, सेंस ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स कम टू आवर माइंड, फियर कम्स टू आवर माइंड कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा. तो ये बात ठीक है आपकी, आपने जो कहा मेरा ख्याल से हमारे व्यूअर भी उन्होंने देखा होगा. जी, समवन सेड दैट वी शुड हैव अ यूनिफाइड लीडरशिप, अ यूनिफाइड लैंग्वेज लाइक चाइना डज. And my question to you is that we are a country of 1.2, 1.4 billion people with over 40,000 different languages of our own. This very idea that although we are the second largest population in the world and yet we give this opportunity to every Indian that their language is heard and respected equally instead of having one unified language for the entire nation, something we should be proud of and fiercely protect? मैं एक step और आगे जाऊंगा इसको कहने में कि आज भारतवर्ष यूनाइटेड है. देर इज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इस देश की इतनी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग वो हैं, जिसकी वजह से मेरे विचार से देश एक है. चाइना का आप एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि चाइना इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी. सो इसके लिए आप उसको कंपेयर मत करिए. मुझे याद है कि जब 92 में हमने ये पहला प्राइवेट टेलीविज़न शुरू किया और कुछ लोगों को अगर आपको ध्यान हो तो केवल एक बुलेटिन हम लोग एक एंटरटेनमेंट चैनल पर न्यूज़ बुलेटिन चलाते थे और वहाँ हमने अपने एडिटर्स को, स्टाफ को कहा कि सिंपल साधारण भाषा में बात करिए. तो उसमें कई जगह टेक्निकल जो वर्ड होते थे उसमें अंग्रेज़ी भी आती थी, हिंदी भी आती थी. तो उस दौरान में जैसे मैं आज जयपुर आया हूँ, उस प्रकार से कई जगह जब मैं जाता था तो मुझे जूतों के हार पहनाए जाते थे ये कह के कि आपने भारतीय भाषा को बहुत बिगाड़ दिया, बिगाड़ रहे हैं. लेकिन आज यही भाषा, सिंपल भाषा, हिंदी ने भी बहुत से अंग्रेज़ी के शब्द लिए हैं, अंग्रेज़ी भाषा वालों ने भी हमारे हिंदी के बहुत से शब्द लिए हैं, ये बनती जा रही है. इसके लिए हमें पॉलिटिकल होना, इमोशनल होना मेरे विचार से कोई कम्युनिकेशन का भाग नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना. और अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें तो भाषा की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती. इधर एक प्रश्न और है तो वो लेते हैं पहले. कम्युनिकेशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन से पहले एक स्थिति आती है जो कि दिमाग में हम लोग मैं क्या आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले. सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन करने से पहले प्रिपेयर योरसेल्फ. यस सर. जी, इससे तो आपका पहली टाइम में कम्युनिकेशन ठीक होगा. यस सर. जी, दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपने जूनियर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उससे पोलाइट से बात करूँगा ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन पूरा कर सकूँ. अगर मैं अपने से बड़े से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे रिस्पेक्ट से बात करूँगा जिससे कि मेरा कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए. वेरी गुड, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर लुक्स लाइक. हेलो सर. वेरी गुड. हाँ बोलिए सर. अबाउट कम्युनिकेशन आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट कि कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. हम इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं पॉलिटिक्स में ले जाके ये वो. इट इज़ अ सिंपल टू वे प्रोसेस. और लैंग्वेज एज माई फ्रेंड सेज कि एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. हम ये सब नहीं कर सकते कि एक कॉमन लैंग्वेज हम पूरे यू नो नेशन के लिए बना दें. तो कम्युनिकेशन हम ऐसे लाइक जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आप तब भी समझ जाते लाइक जिस वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ.
लाइक न्यू बॉर्न बेबी का एग्जाम्पल लिया, इट्स वेरी फैक्ट कि जब एक मॉम अपने बच्चों का समझ सकती है बिना उनके कुछ बोले, जब वो रोते हैं मतलब उनको भूख लग रही है, जब वो हंस रहे हैं मतलब दे वॉन्ट टू प्ले, इसका मतलब कम्युनिकेशन बस एक लैंग्वेज या वर्ड से नहीं होता, एक्सप्रेशंस, योर एक्शंस, सब कुछ मैटर करता है. एंड बहुत अच्छे. हाँ जी बताइए, बोलिए भरतिया जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, पहले तो मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ. मैं अभी करेंट बिजनेस में हूँ, लेकिन आज के डेट में जो नए टेक्नोलॉजी और जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, वो उस तरह का मैंने भी आज से 5-7 साल पहले प्लानिंग किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. तो उसका बहुत रिग्रेट रहता है मेरे को कि मैं क्यों नहीं कर पाया. अगर मैं इस तरह का ई कॉमर्स साइट अगर 5-7 साल पहले चालू करता तो आज मैं शायद कहीं और होता, कोई बड़ा जगह में होता. फर्स्ट पॉइंट, तो इस रिग्रेट से कैसे उभरूं. और सेकंड पॉइंट है, आज के डेट में करेंट लेवल में भी मुझे इमेंस अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, लेकिन मैं अपने करेंट बिजनेस से निकल नहीं पा रहा हूं. तो अपने इस बात को अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करूं. मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज लगती है और आज के डेट में मैं 10 ऐसे बिगर आइडियाज में बैठा हुआ हूं. मुझे लगता है कि ऑल 10 आइडियाज आर मैसिव एंड ऑल आर ग्रेट, बट मैं उसको लाइक एक हो तो एक करेंट बिजनेस से निकल नहीं पा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट है कि उसको जो जैसे अभी मैं मेरे को उसमें फंडिंग तो आपके स्टेक होल्डर कौन है, आपके स्टेक होल्डर कौन है जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? स्टेक होल्डर पेरेंट्स हैं हमारे. अच्छा. और इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन्होंने हमें कुछ फंडिंग भी दिया है. जो पीछे आपके साथ हुआ उसका रिग्रेट, उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठ के लहरें गिन रहा था कि कितनी लहरें आती कितनी चली जाती. वो गिनते गिनते भूल गया, रोने लगा. तो आप जैसे व्यक्ति ने जो पास से निकल रहे थे उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? साहब मैं सुबह से लहरें गिन रहा था, गिनती भूल गया. तो उसने ये कहा कि भाई गिनती दोबारा शुरू कर दो, ये लहरें तो रुकने वाली नहीं हैं, ये तो चलती रहेंगी, गिनती दोबारा शुरू कर दीजिए. तो आप जो 5 साल पहले करना चाहते थे नहीं कर पाए, उसको अब कर लीजिए, कोई गलती नहीं है, उसका रिग्रेट मत करिए. दूसरी बात, स्टेक होल्डर को आप कम्युनिकेट कैसे करें, और आप नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपके पास 10 अच्छे आइडिया हैं बिजनेस के. तो मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण से भी आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. कई बार आदमी में जब आत्मविश्वास रहेगा, चाहे वो किसी प्रकार की बात कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप बड़े अच्छे रूप से कर सकेंगे यदि अपने आप पर भरोसा करके और अपने आप पर विश्वास करके आप कम्युनिकेट करेंगे.